हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको हलवाई के जैसे शादियों में बनने वाले छोले बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टेस्टी बन के तैयार होते हैं, इस तरीके से आज हम आपको बना के दिखाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, छोले बनाना शुरू करते हैं। हमने ये काबुली चने ले लिए हैं, बड़े वाले जो सफेद वाले चने होते हैं हमने ले लिए। इसके हम छोले बनाएंगे, बहुत बेहतरीन और टेस्टी, सेम एकदम हलवाई के जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जो बनता है, होटलों में मिलता है खाने के लिए, वैसे आज हम बना के तैयार करेंगे इसके छोले। देखिए, हमने रात भर इसको भिगो दिया, हमने मीठा सोडा डाल के भिगोया है। उसको भिगो देने से ये होता है, चने जो है बहुत अच्छे से बारीकी से फूल जाते हैं, एक भी बाकी नहीं रहता कि मतलब चने न फूले। इसलिए कभी भी चने को रात में भिगोए और भिगोते समय मीठा सोडा डाल दें। आधा चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा डाला। ये देखिए, ये जो चने हैं, हमने एक कटोरी चने लिए थे, एक पाव मतलब कटोरी है, उससे हमने लेके इसको भिगो दिया है। और इसमें आधा चम्मच हमने मीठा सोडा डाला, डाल के हमने भिगो दिया। अब इसको हम कुकर में डाल के चढ़ा देते हैं। पहले इसे हम अच्छे से उबाल के तैयार कर लेंगे। देखिए, इसे हम कुकर में डाल देते हैं और इसे हम 3 सीटी आने तक अच्छे से उबाल के तैयार करेंगे। देखिए, इसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। 3 सीटी आने तक अच्छे से हम इसे उबाल के तैयार कर लेंगे। देखिए, छोले जो हैं, चने उबल चुके हैं, बड़े वाले चने थे, बहुत अच्छे से ये उबल चुके हैं। इन्हें हम फटाफट से उठा के हम चेक कर लेते हैं, इसे नहीं निकल रहा। आप देख सकते हैं कितना बेहतर ये तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसे हटाते हैं हम साइड में। हम आपको चीजें दिखा देते हैं जो यूज करने वाले इसमें डालने के लिए। देखिए, हमने ये ले लिया है प्याज, हमने 4 प्याज ले लिया, 4 हमने टमाटर ले लिया, आधा किलो जो छोले थे, ठीक है, और ये तीखे के अनुसार हमने हरी मिर्च और हमने लहसुन ले लिया, लौंग, जावित्री बड़ी वाली जो है, इलायची हमने ले ली है, ये जो है दालचीनी छोटी वाली, ये इलायची है, ये अदरक हमने साफ करके ले लिया 1 इंच, और हमने 4 तेजपात ले लिया, और ये देखिए हमने टमाटर, ये चीजें हमने ले लिए। हरा मिर्च और लहसुन को हम कूट के ले लेंगे, ठीक है, और ये प्याज को हम पेस्ट बना लेंगे, टमाटर का हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं, अदरक का भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। फटाफट हमने चूल्हे पे जो है कढ़ाई रख दी, इसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल। अब जो तेल यूज करते हैं वो तेल आप यूज में ले लीजिएगा। देखिए देखिए, हमने तेल रख दिया है, तेल जो है गर्म होने लगा है। इसमें हम डालेंगे जीरा, ये हमने जीरा ले लिया, और ये रहा, हमने हींग डाल दिया, ठीक है। अब इसमें खड़े मसाले, ये रही दालचीनी, और ये रहे बड़े लौंग, बड़ी इलायची, देखिए ये बड़ी इलायची चली गई, और ये हमने जायफल डाल दिया, जावित्री, और ये लौंग छोटी इलायची, ये हमने खड़े मसाले डाल दिए, और ये जाएंगे तेजपात, हमने तेजपात डाल दिया। अब इसमें हम जो पेस्ट तैयार किए हैं, अब पेस्ट को डाल देते हैं। देखिए, ये हमने प्याज का जो है पेस्ट डाल दिया। अब इसमें अच्छे से हमें प्याज के पेस्ट को भी भून लेंगे, 5 मिनट तक अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे। ये टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। देखिए, हमने ये टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया है, ये हमने डाल दिया। अब इसमें जाएंगे मसाले, हमने लहसुन और मिर्च को अच्छे से हमने कूट लिया है। शादियों वाले हम बना रहे, मतलब हलवाई के जैसे शादियों वाले छोले बना रहे थे, लहसुन मिर्च हलवाई लोग कूट के डालते हैं, इसलिए हमने भी लहसुन और मिर्च को हमने कूट के ले लिया है, ठीक है। अब इसे हम डाल देते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी छोले जो है बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। देखिए, बहुत ही मतलब बेहतरीन होते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के। अब देखिए, अब इसे हमें क्या करना है, अच्छे से हम इसे साथ में इसे भूनेंगे। देखिए, अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। हमने हल्दी पाउडर, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये अमचूर पाउडर, ये जो है चना मसाला जो आता है, हमने वो ले लिया एवरेस्ट कंपनी का, और ये रहा, आप देख सकते हैं कस्तूरी मेथी जो है, स्वाद अनुसार हमने नमक ले लिया, ये हमने मसाले ले लिए। एकदम सेम हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं, बहुत बेहतरीन और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। हलवाई लोग शादियों में ऐसे ही बनाते हैं। देखिए, ऐसे ही करते हैं, फटाफट हम मसालों को भून के जो है तैयार कर लेते हैं। मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं। देखिए, ये तेल छोड़ना शुरू हो गया है, तेल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिएगा मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें जाएगा पानी, हमने उसी कटोरे से हमने आधे लीटर हमने पानी डाल दिया, अब अच्छे से उबाल आने तक अब इसे हम छोड़ देते हैं। 5 मिनट तक अच्छे से हमने इसे उबाल के तैयार कर लिया है। अब इस समय जाएगी उबले हुए चने डालेंगे हम। देखिए कितनी मतलब बेहतर और टेस्टी जो ग्रेवी है आपको दिख रही होगी, देखिए बहुत ही टेस्टी ग्रेवी जो है बन के तैयार हुई है, ठीक है। अब इसमें हम उबले हुए चने डाल देते हैं। ये रहे उबले हुए चने, देखिए ऐसे ही हम सारे चने को डाल देते हैं इसमें।
देखिए हमने उबले हुए चने डाल दिए हैं, अब इसके साथ हम 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। फटाफट जो छोले हैं तैयार हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन और ये टेस्टी छोले बन के तैयार हो इस तरीके से। अब देखिए बहुत बेहतरीन, ऐसे ही शादियों में हलवाई लोग, एकदम सेम हलवाई लोग शादियों में ऐसे ही बना के तैयार करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इसे हम ढक के अच्छे से हम इसे पका के तैयार कर लेते हैं। चने उबले हुए हैं, मसाले भून के तैयार हुए, बस पानी जो हमने डाला उसके अनुसार इसे हमें पका के तैयार कर लेना है। छोले जो है तैयार हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, देखिए हमने ये हरा धनिया ले रखी, हमने हरा धनिया डाल दिया। धनिया के साथ इसे अच्छे से हमें मिला के इसे तैयार कर लेना है। देखिए फटाफट ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं कटोरे में, हम आपको दिखाते हैं कितने बेहतर छोले जो है हलवाई स्टाइल जो है तैयार हुए हैं बनके। शादियों में बनने वाले हलवाई लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही सेम छोले बने हैं। अब इन्हें हम फटाफट निकालते हैं कटोरे में। देखिए हमने एक कटोरा ले लिया है, इसमें हम छोले को निकाल लेते हैं। ये गया हरा धनिया, बहुत बेहतरीन छोले बनके तैयार हुए हैं।